हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभ कदम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले कल के मार्केट एनालिसिस के ऊपर, यानी कि कल के मार्केट एनालिसिस के लिए मैंने जो जो स्टॉक्स फाइंड किए एनालिसिस करके, वो सारे स्टॉक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और साथ में एंड में निफ्टी और बैंक निफ्टी के इन डिटेल में व्यूज भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आती है, आप कुछ ना कुछ तो सीखते हो, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए। एम करता हूँ सिर्फ 500 लाइक्स के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि SH केलकर का यहाँ पर स्टॉक लगा। ये मैंने स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया, सबसे पहले ये आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर से अगर हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे, तो हमने यहाँ पर डिस्कस करा था, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, कई लोगों को पता भी होगा कि यहाँ पर SH केलकर जो है वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था और हमने यहाँ पर स्विंग ट्रेड लिया था, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट पर यहाँ पर एक अच्छा सा पुल बैक भी आया और पुल बैक के बाद में लगभग 20% से अप है SH केलकर का स्टॉक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंट्राडे किस तरह से हो सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा है, एक अच्छे से अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, एक अच्छा सा इम्पल्स मूव करेक्शन। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक अच्छा सा इम्पल्स मूव लगा है। तो इम्पल्स मूव के बाद में यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है, जिस करेक्शन को हम इंट्राडे में एक अच्छा सा शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहीं पर से ही क्यों एक करेक्शन आ सकता है, यहाँ इसके पीछे की मेरे एनालिसिस क्या है, ये सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक फिबोनाची का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हम फिबोनाची प्रोजेक्शन टूल यूज करेंगे, ठीक है। अभी फिबोनाची प्रोजेक्शन टूल किस तरह से यूज करना है, इसके ऊपर भी मैंने एक इन डिटेल में सीरीज बना के रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप बाद में जाकर देख सकते हो कि फिबोनाची यहाँ पर एक्सटेंशन किस तरह से यूज करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि फिबोनाची ट्रेंड बेस एक्सटेंशन या फिर प्रोजेक्शन कह लो, यहाँ पर मैंने वो टूल लगाया और आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक्यूरेटली यहाँ पर एक 1 करके एक फिबोनाची रेशियो आ रहा है, जो कि यहाँ पर प्राइस को रेजिस्टेंस दिला रहा है। अभी हमें कैसे किस तरह से पता चल रहा है कि यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन ले रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना, ठीक है, उसके बाद एक इनवर्स हैमर बना और उसके बाद में और एक इनवर्स हैमर बना और यहाँ पर ऊपर जो विक्स बन रही है वो हमें बता रही है कि यहाँ पर प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको समझ रहा होगा कि यहाँ पर ऊपर के साइड में मतलब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर से प्राइस जो है वो थोड़ा सा नीचे के साइड में गिर सकती है, ठीक है। इतना सिंपल सा लॉजिक है इसका पीछे का। तो यहाँ पर हम इंट्राडे में ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं ये रेशियोज वगैरह सब यहाँ पर से मिटा देता हूँ और सीधा हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे और किस तरह से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेवल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो 1 रेशियो जो था फिबोनाची का, वो मैंने यहाँ पर इस रेक्टेंगल से मार्क कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है प्राइस को, तो आप सिंपल सा देखेंगे कि यहाँ पर एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। अभी राइजिंग वेज पैटर्न एक बियरिश पैटर्न है, अगर ये पैटर्न नीचे के साइड में ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर से पुल बैक देखकर बहुत ही अच्छे शॉर्टिंग के मौके बनेंगे। अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, नीचे के साइड में ब्रेकआउट स्टॉक नहीं करता है, तो बाइंग की लेवल क्या होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आज के दिन का जो हाई है वो आप एक लाइन से मार्क कर लेना। अगर आज के दिन का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर भी पुल बैक देखकर बाइंग के मौके मिल सकते हैं, क्योंकि अच्छे से इम्पल्स मूव में एक्चुअली में स्टॉक यहाँ पर मूव कर रहा है। सिर्फ एक फिबोनाची के बेस पर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस फायर कर रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छा सा रिवर्सल पैटर्न भी दिख रहा है और उसके बेसिस पर हम यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड लेने वाले हैं। अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो, अगर ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तो हम ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। सिर्फ हमें आज के दिन का हाई यहाँ पर मार्क कर लेना है और उसके ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है, इतना सिंपल सा एनालिसिस है, ठीक है। अभी अगला जो स्टॉक है वो है टाटा पावर। टाटा पावर में भी एकदम सिंपल एनालिसिस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाटा पावर एक अच्छे से इम्पल्स मूव में था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर एक करेक्शन आ रहा है। करेक्शन मतलब क्या कि यहाँ पर प्राइस करेक्ट कर रही है, नीचे गिर रही है और नीचे किस तरह से गिर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉलिंग चैनल पैटर्न बना रही है, ठीक है। तो फॉलिंग चैनल पैटर्न के रेजिस्टेंस पे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस पे जाकर यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, कुछ इस तरह से डबल टॉप पैटर्न बना है और नेकलाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर मेरा प्लान क्या है कि अगर यहाँ पर हमें कोई नेकलाइन के पास में कोई पुल बैक मिलता है तो यहाँ पर से शॉर्ट करने का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा, और अगर गैप डाउन खुलता है, यहाँ पर गैप डाउन खुलेगा तो सिर्फ हमें एक पुल बैक का इंतजार करना है और फिर शॉर्ट का यहाँ पर ट्रेड लेना है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी प्राइस रेजिस्टेंस को टच कर रही है, उधर से प्राइस यहाँ पर सपोर्ट पे आ रही है, सपोर्ट से फिर से रेजिस्टेंस जा रही है और यहाँ पर रेजिस्टेंस से फिर से सपोर्ट पे आने का ट्राई करेगी। और अगर समझ लो यहाँ पर गैप अप मार्केट ओपन होता है, ये स्टॉक गैप अप ओपन होता है और इस वाले
ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है फॉलिंग चैनल का, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर भी एक बाइंग का ट्रेड बनेगा पुल बैक देख के। इतना सिंपल से एनालिसिस है टाटा पावर में। अभी अगला जो चार्ट है वो है वीईडीएल का। वीईडीएल में भी एकदम सिंपल एनालिसिस है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ और आपको थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस बताता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वीईडीएल में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पर कि पहले तो ये प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, उसके बाद में यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया और उस वाले सपोर्ट को यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। मतलब यहाँ पर से एक फॉल आ सकता है वीईडीएल में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी इंपल्स मूव हो चुकी है, इंपल्स मूव के बाद में यहाँ पर करेक्शन भी हो चुका है और करेक्शन के बाद में और एक यहाँ पर इंपल्स मूव आ सकती है। इसी वजह से यहाँ पर शॉर्ट करने के बहुत ही अच्छे मौके बन सकते हैं। किस तरह से हम शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिटेल में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर से हम 4 आवर में चलेंगे और आपको एक बात बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको वॉल्यूम के बारे में भी पता चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को किस तरह से पहचान सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक प्राइस गिर रही थी, तो जब भी यहाँ से यहाँ तक प्राइस गिर रही थी आप वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, मतलब ये स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। और पुल बैक को किस तरह से पहचाना, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक प्राइस ने अप मूव लगाया, मतलब अप ट्रेंड में थी, पर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम डाउन जा रहा है, मतलब ये पुल बैक है, ये कोई रिवर्सल नहीं है। इधर से स्टॉक कहीं भी ऊपर जा नहीं सकता, ये हमें वॉल्यूम बता रहा है। जा भी सकता है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, फिर भी वॉल्यूम एनालिसिस अगर हम करेंगे तो वॉल्यूम एनालिसिस हमें ये बता रही है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम इंट्राडे का ट्रेड किस तरह से ले सकते हैं, तो सिंपल सा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलूँ तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको एक इंपल्स मूव दिख रही है। कहाँ पर इंपल्स मूव है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इंपल्स मूव है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंपल्स मूव के बाद में यहाँ पर एक करेक्शन आएगा और करेक्शन के बाद में फिर से यहाँ पर एक इंपल्स मूव देखने को मिल सकती है। इतना सिंपल है। तो हम करेक्शन किससे मार्क करते हैं, रिट्रेसमेंट किससे यहाँ पर मेजर करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पर से लेके यहाँ तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लगाया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.618 का जो लेवल है यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो यहाँ पर प्राइस ने लगभग ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया और यहाँ पर से गिरना चालू कर दिया। अब ये सारी बातें यहाँ पर से रफ कर देते हैं, थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पर जूम इन कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट अप ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं ट्रेड किस तरह से लेने का ट्राई करूंगा, मैं सिंपल सा जहां पर ब्रेकआउट हुआ है ये यहाँ पर लेवल मार्क कर दूंगा और सिंपल सा यहाँ पर अगर कोई पुल बैक मुझे मिलता है तो यहाँ पर से मैं शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अगर कोई बड़ा यहाँ पर गैप डाउन हो जाता है तो आज के दिन का जो लो है, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो लो लेवल है ये मार्क कर देनी है। अगर कोई गैप डाउन खुलता है मार्केट तो यहाँ पर अगर पुल बैक देखेगा तो यहाँ पर से भी हम शॉर्ट के मौके ढूंढ सकते हैं। इतना ही सिंपल एनालिसिस है। सिर्फ हमें यहाँ पर जो भी हमने लेवल्स मार्क किए वहां पर रिजेक्शन कैंडल यानी कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल हमें कोई तो दिखनी चाहिए या फिर बियरिश इंगल्फिंग कैंडल दिखनी चाहिए, कंफर्मेशन कैंडल मिल जाए, उसके बाद में हम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। तो इतना ही मेरे पास स्टॉक है। अभी यहाँ पर से हम सीधा निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर जाएंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अनक्लियर मुझे मार्केट लग रहा है, इस वजह से शायद हमें थोड़े दिन के लिए यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी से दूर रहना ही चाहिए। थोड़ा सा अगर रहेंगे तो हमें फायदा में होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कंसोलिडेशन चल रहा है और बहुत ही वोलाटाइल है मार्केट। तो यहाँ पर अगर आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल बताना चाहूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बन रहा था और यहाँ पर से हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि यहाँ पर से गैप अप ओपनिंग हो सकती है, फिर भी मैंने आपको ये वाला रेजिस्टेंस बता दिया था कि यहाँ पर से प्राइस को रिजेक्शन मिल सकता है। यहाँ पर से प्राइस को रिजेक्शन मिला और एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। कौन सी वाली प्रॉफिट बुकिंग, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव लगाया था इसका एक प्रॉफिट बुकिंग है, इसका रिट्रेसमेंट है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न की यहाँ पर नेकलाइन भी है, ठीक है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न के रीटेस्ट पर आ गया है यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर से एक मूव लगा सकता है। अगर मूव लगाए तो होगा तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा इंट्राडे के लिए 34,945 का, उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 35,317 का और उसके ऊपर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 35,531 का। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मेरे लिए और अगर यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर दे, फिर से मार्केट गैप डाउन ओपन हो, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि है 34,497 का, जिसके जस्ट नीचे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 34,356 का और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ पर मार्केट फिर से ट्रिपल बॉटम बनाने के लिए आ सकता है अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो,
तो यहाँ पर अगर आपको लेवल बताना चाहूँ वो है 33,991 का। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल से मेरे लिए बैंक निफ्टी में, पर मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा एक दो दिन के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी से दूर रहिए। थोड़ा सा कैची हो चुका है मार्केट, थोड़ा सा अनक्लियर दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर से निफ्टी के चार्ट पे जाते और निफ्टी के चार्ट पे डिस्कस करते, तो आप यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर भी हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पर भी एक डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है। तो यहाँ पर से भी एक, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई, यहाँ पर से भी एक मतलब हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और यहाँ पर प्राइस कहाँ पर है, नेकलाइन पर है डबल बॉटम पैटर्न के लिए। और तो यहाँ पर से एक अप मूव लगा सकता है, क्योंकि डबल बॉटम पैटर्न यही कहता है अगर ब्रेकआउट होगा नेकलाइन का, अगर रिटेस्ट पे आएगा तो यहाँ पर से प्राइस जो है वो ऊपर के साइड में जंप करेगी। तो अगर जंप करेगी तो इंट्राडे के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, अगर यहाँ पर रेंज में खुलता है तो इम्पोर्टेंट लेवल होगा 15,815, और सीधा ऊपर के डायरेक्शन में 15,861, और अपना ऑल टाइम का जो भी रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो अगर हम नीचे जाएंगे, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि है 15,691 का, उसके नीचे है 15,607, एंड जस्ट उसके नीचे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर इसको तोड़ेगा तो बहुत ही मतलब बड़ी मूव हमें डाउनसाइड देख सकते हैं, पर यहाँ पर एक सपोर्ट बहुत ही अच्छा है जो कि है 15,518 का। तो इतने सिंपल से लेवल है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और ये थे मेरे 3 स्टॉक जो कि मैंने एनालिसिस करके फाइंड किए और जिसमें कि मैं कल ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा। होप है कि आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। अगर एनालिसिस पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर कर दीजिए, और आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।